तीन पीटी फौज में और बेटा मौज में है। हमारे यहाँ कहावत होती रगड़ा बनाए तगड़ा, तो वो वाली है, फौज वाले हैं सर हम लोग। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको हो गुरुजी क्लासेज, जिसमें कि बड़का ने लठ गाड़ दिया, जो मैं धुमे ठा दिए आप और जी आप कभी। तो भाई ये देखो बारह बारह मानस पहुंच गए हैं, बारह बारह मानस पहुंच गए हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो भाई फिलहाल भिवानी बोर्ड के सामी हंगामा, ये देखो ये तस्वीर। अरे रोक देख बरे, रोक दे भाई रोक देख बरे, मामला क्या हो गया, क्या बात होगी। ये देखो भाई फिलहाल जो है भिवानी तो ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, और बड़का में मस्ती छा रही है। कारण क्या है, उसकी पड़ताल खेतर हमने आड़े ब्रेक मरवा दिए हैं। ऊ तो हमने का आग्रह देसी देख बिना ब्रेक गुट्ठा देख, लेकिन आड़े भिवानी बोर्ड के सामने हमने लुवा दिया ब्रेक। ये बड़का में मस्ती क्या तैयारी है जी, बड़का मस्ती नहीं आ रही है। ऑल इंडिया रैंक 62 और ऑल इंडिया रैंक 6 एनडीए में। अच्छा 62 पहले बताओ और 6 बाद में। दोनों अच्छा, दोनों अपनी एकेडमी में बच्चे हैं 62 और 6। अच्छा हाँ, बेटी का नाम सिमरन है, बेटा का नाम यतिन है। एक बात है, सिक्सर लग गया रहे हैं प्रतीक भाई क्रिकेट का ग्राउंड में, और तो हमने शिक्षा का ग्राउंड में सिक्सर मार दिए। यो क्रिस गेल का छक्का भाई साहब, यो सीधा क्रिस गेल का, यो सीधा स्टेडियम दबा रहे हो, पवेलियन दबा चला गया, पवेलियन दबा है। और मैंने कहा भी था पहले भी कि जिस दिन हरियाणा में हम शुरुआत करेंगे उस दिन राजस्थान के लोग आएंगे। अच्छा। सिक्कर फेल कर दिया जी, सिक्कर वालों को खुला बता रहा हूँ, मैं वहाँ पढ़ा के आया हूँ। खुला चैलेंज जिस दिन पढ़ाना छोड़ गया उन्होंने कहा था कि तुमसे कम रैंक लेके दिखाऊंगा। जिनकी रैंक आई उन तो बात करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर तो हम देख सको हो, ये लाइव तस्वीर फिलहाल हरियाणा का भिवानी। और ये देखो भाई नुका गौर से देखिए इन शख्स को, क्या नाम भाई? यतिन नाम है। क्या नाम बेटा? सिमरन। सिमरन, तो सिमरन बेटे उम्मीद थी एक भाई इस तरह से सिक्सर लगेगा लाइफ में? जी सर, मेहनत की थी तो उम्मीद भी थी कि क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी क्रेडिबिलिटी किसको देना चाहोगे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए? सर सबसे पहले तो पेरेंट्स होते हैं, दूसरा प्रतीक दलाल सर। ओके, तो कोई सेटिंग करी थी या ट्रेनिंग दे थी? सेटिंग से कुछ नहीं होता सर। हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है सर, हमारे यहाँ कहावत होती है रगड़ा बनाए तगड़ा, तो वो वाली है, फौज वाले हैं सर हम लोग। टैगलाइन आपकी? टैगलाइन है रगड़ा बनाए तगड़ा सर। गुरु क्लासेज की? गुरुजी क्लासेज है ये विद्यानगर में। हमने कहा था मैं मुखर्जी नगर पढ़ा गया भाई साहब, अकेडमी पीडब्ल्यू छोड़ गया आया, लेकिन फौज मेरा कभी से पैशन रहा है। और हमने उस दिन कहा था हम पूरा करेंगे। आज भिवानी को और हरियाणा को हमने वो सौगात दी है जो पहले बच्चे नहीं लाया करते, राजस्थान जाया करते, हमने यहाँ लाके साबित कर दिया कि कोई भी, मैं पेरेंट्स को कहना चाह रहा हूँ अगर एनडीए में सिलेक्शन दिलाना है तो एक बार गुरुजी क्लासेस आओ, हम करके दिखाएंगे सर। यानी कि भाई शिक्षा का अड्डा है, उसे हम देखोगे तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। और भाई इस अड्डे के सामी बोला रगड़ा बनाए तगड़ा, रगड़ा बनाए तगड़ा, और उनका अगर बोले देसी देख बिना ब्रेक, वही टैगलाइन अपनी है सर, देसी देख बिना ब्रेक। और यहाँ पे है रगड़ा बनाए तगड़ा। और एक खास बात और बताना चाहता हूँ मैं, ये बच्चा 12th पास नहीं हुआ अब तक। अच्छा, ये बच्चा 12th अपीयरिंग है और हमने 12वीं इंपोर्टेंट लग रहा है, अभी 12वीं पेपर दिया है। हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल है गुरुजी क्लासेस के कारण सर। 11 12 फाउंडेशन पढ़ाया था और मैंने वादा किया था कि 12th का रिजल्ट आने से पहले एनडीए बनाऊंगा, आज एनडीए बना दिया है सर। बड़ी बात है। देखियो प्रतीक भाई एक और चमत्कार सर, वो उनका हरा चमत्कार को नमस्कार है। ये बेटी 8 साइड से बिना मैथ के, और एनडीए में 300 नंबर का मैथ आता है, बिना मैथ के 8 साइड से रैंक ऑल इंडिया 6 पूछ लो। लड़की का मम्मा है। अच्छा, वाजू मेरे मम्मा ही पोती है। वाजू बहुत बढ़िया, आपको देख के भिवानी में बहुत ज्यादा खुशी हुई। चलो धन्यवाद जी, इसे बात पर दर्शक ने ठाठू ठाठू राम राम मान के जी। राम 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 भाई। भाई जो टॉपर बेटी है उसका मम्मा क्या नाम है जी? पवन कुमार है जी। पवन कुमार जी डबल माँ, ये है भाई डबल माँ है ये। मैं ताऊ मुझे सिमरन का ताऊ तो बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। किसा फील कर रहे हो बिटिया ने और बेटे ने टॉप कर दिया? भाई साहब कदे नहीं मन में ना जचा करती कि या गुड़िया घर तक लकड़की इतना बड़ा काम कर देगी। ये फादर है जी, ये पिताजी हैं। अच्छा वाह, भाई साहब मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक पिता के लिए बहुत बड़ी बात हो है जी, बच्चे आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल, गर्व की बात है। इस गुड़िया के लिए जितने शब्द कहे जाऊं उतने कम है। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको हो गुरुजी क्लासेज, जिसमें कि बड़का ने लठ गाड़ दिया, जो मैं धुमे ठा दिए, ऑल इंडिया में 6 रैंक और 62 रैंक एनडीए में, बहुत बड़ी बात है। गुरुजी क्लासेज यानी कि भिवानी की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा का हब है, और भाई उसे के कारण पूरे भिवानी में जश्न का माहौल है। और ये देखो भाई श्यामी तो हम तस्वीर देखोगे तो ये जश्न
यानी कि जो फैमिली है, जो परिवार हैं, उनमें खुशी की लहर है। जो टॉपर बच्चे हैं, न्यू कैश कहाँ के टॉपर बनाने की फैक्ट्री है गुरुजी क्लासेस, ये देखो भाई। तो भाई बहुत बड़ी बात है, एनडीए में ऑल इंडिया में छठी रैंक। प्रतीक भाई क्यूकर चाला पाड़े आयु, चाला क्यूकर पाड़े आयु, चाला मेहनत के दम पे सर, एक रगड़ा ला दिया पूरा, रगड़ा बना के, रगड़ा लगा के बना दिया तगड़ा सर। अच्छा। सिर्फ मेहनत और राइट गाइडेंस, 12th पास होने से पहले अफसर आपके बच्चे ही बनेंगे, और ये इनको करके दिखाया भी है। कई एकेडमी तो न्यू दावा करें बोले नौकरी, और तो हम दावा करो अफसर, अधिकारी सर, सीधे अधिकारी, कर्मचारी नहीं बनाएंगे, कर्मचारी नहीं अधिकारी, अधिकारी बनेंगे सर, और 12th से पहले अधिकारी बनेंगे। चलते रहो भाई। तो बेटे क्या ड्रीम था आपका और कहाँ तक उसको पूरा कर पाए, आगे किस तरह का सपना है? सर पहले तो यूपीएससी क्लियर करने का ड्रीम था। प्रतीक सर ने बताया कि यूपीएससी एक और एग्जामिनेशन लेती है एनडीए, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और आखिर में हो गया सर। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे फादर फार्मर है। फार्मर है, ले भाई चढ़ा पड़ा। प्रतीक भाई किसान की बेटी और अफसर बन गई, बहुत बड़ी बात है। इसके फादर ठट देसी है, नूनगार अजमा ठट देसी, ठट देसी, देसी किसान की छोरी यारी अफसर बनेगी, अफसरी जाड़ेगी। इसके गांव की। अच्छा। इसके एरिया की तो शाम की। अच्छा। भिवानी की रैंक 6। अच्छा। और सुन लो हरियाणा का रैंक 1 है ये। बताओ हरियाणा का रैंक 1 है, हरियाणा में नंबर 1, राम राम भाई राम राम, हरियाणा का रैंक 1 है बिटिया सिमरन। ये कतवार गाँव की है, इधर देखो, शानदार शानदार स्वागत, शानदार स्वागत। ये कतवार गांव की, ये देवास गांव का। अच्छा। 3 PD फौज में सिपाही, 4th PD अधिकारी। सुनो एक मिनट रुको, 3 PD फौज में और बेटा मौज में। क्या नाम भाई? यतिन नाम है। यतिन बेटे बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो गुरुजी क्लासेज जो एकेडमी है, इसका योगदान के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताओ, किस तरह योगदान? रगड़े तो डर लग गया नहीं? कभी डर तो नहीं लगता था रगड़े से। 11th और 12th मैंने गुरुजी क्लासेस में करी है। अच्छा। और गुरुजी क्लासेस में बहुत हेल्प करी है यहाँ तक पहुँचाने में, जो उनका ट्रेनिंग शेड्यूल था, बाकी चीज़ें थी, नोट्स वगैरह, काफ़ी हेल्प करी उन्होंने। बहुत बढ़िया। चलो अब जो पेरेंट्स हैं, इनके किस तरह के ख्वाब हैं? रोकिए बाइक पर। जो पेरेंट्स हैं, इसमें तो खुशी की जो लहर है, ये देखो किस तरह से, ये मिनिस्टर अमित कुमार जी, ये सारे, ये गृह मंत्रालय है, किस तरह का फील कर रहे जो इसी अकेडमी हाथ लाग जो है, जो बालकन अफसर बना दिए? बहुत बढ़िया, खुशी हो रही है, जिससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। क्या सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ? मेरा तो सबसे बड़ा सपना आज पूरा हुआ है जी। मुझे पता इतना प्रतीक जी का भी बालका पर रगड़ा लावे हैं, तो ज्यादातर तो माँ बाप न्यू कहेगा अगर हमारे बालका हाथ लाने की जरूरत नहीं है, और प्रतीक जी का रगड़ा लावा है। नहीं रगड़े वाली बात नहीं है, अच्छे से मेहनत करवाते, बहुत अच्छे से मेहनत करवाई है जी प्रतीक सर। रगड़ा लावा, बड़ा स्टाफ है इनका, बहुत बड़े तैयारी करवाई बच्चों को। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बेटा यतीन है, इसके फादर का एक पाँव नहीं है। भारत पाकिस्तान वॉर हुआ जब, उस समय पाँव एक खत्म हो गया था, और आप समझो उस परिवार में 3 फौजी सिपाही हैं, तीनों कितनी उम्मीद रही होंगी कि हमारी शुरुआत सिपाही से हुई, सूबेदार बन गए, आज शुरुआत अफसर से हो रही है सर, आने वाले टाइम में हरियाणा का लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल बनेगा बच्चा। यानी कि किसान की बेटी और जवान का बेटा, यानी कि किसान और जवान की अगर मैं बात करूं तो जय जवान और जय किसान का नारा गुरुजी क्लासेस जो एकेडमी है भिवानी की, ये सार्थक कर रही है। ये सार्थक करने का प्रयास किया, बच्चों ने विश्वास किया, और वैसा रिजल्ट हमने दिखाए हैं। एक बैच में से 9 क्लियर थे सर, एक बैच तो ऐसा जिक्र है, मैं भी एडमिशन ले लूं। नहीं नहीं सर, मैं तो पहले ही एडमिशन लेने का जिक्र है। ना ना हम तो कर चुके हैं क्रॉस। न्यू सोच दोगे कि भी एक फुल्ला की माला, नोटा की माला मेरे भी। हाँ ये तो था मन में पहले, मन में था पहले। हाँ। जो एकेडमी जो सपने साकार कर रही है बच्चों के, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया कर रही है, जैसे कि पहले भिवानी में ऐसी कोई एकेडमी नहीं थी कि जो बच्चों को गाइडलाइन दे सके, तो गुरु एकेडमी ने आके यहाँ मतलब अपना स्थान अच्छे से जमाया और बच्चों को गाइड किया कि कैसे मतलब कौन से कैरियर में आपको कौन सा बेस्ट रहेगा। यानी कि दिशा दिखा कर दशा बदलने का काम, दिशा दिखाई है सर, दिशा के लिए हमारे पास आए, दशा बदल देंगे, इतिहास बदलने का काम परिवार का सर। मेरी एक कोशिश थी, हरियाणा के गाँव गाँव में भाई सब जवान हैं, कर्मचारी गांव गांव हैं, अधिकारी अपने यहाँ, और ये जो मेरा पैशन था, मैं 3 साल पहले सीकर से छोड़ के आया था सर, इसी मुद्दे के साथ। मेरे यहाँ की माटी जिस दिन सोना उगलेगी ना सर, उस दिन आपा बोला मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती,
वो फैक्ट्री है कितनों अड्डा कित है न्यू तो बता दो। वो अड्डा है विद्यानगर में 54 फीट रोड पे। अच्छा। गुरुजी क्लासेस का अड्डा है, चाल का अपने अड्डा पे लेके चलेंगे। 54 फीट रोड पे और 56 का सीना है सर, मोदी जी का सीना हमारा। ठीक है, जवान किसान और गांव के बच्चे को अधिकारी बनाना टफ टास्क है भाई साहब, मजाक की बात है भाई। जो शिक्षा का अड्डा है यानी कि गुरुजी क्लासेस है जो ओडे पहुंचाएंगे दिखाओगे रगड़ा क्यों कर लग गए है आज हमारे गिला। यह तस्वीर आप छोड़ के जावा ये बाजो अकेडमी में।